हर जगह दिवाली की धूम है, बाजार सज चुके हैं, लोग घरों से बाहर निकलकर खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम चंडीगढ़ में एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जो काफी मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ सेक्टर 17 प्लाजा के बारे में। आज हम चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में पहुंचे हैं जहाँ दिवाली के मौके पर पूरा प्लाजा सजा हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पर सजावट रहती ही है, लेकिन दिवाली के मौके पर जितने भी शोरूम हैं उन्होंने भी सजावट की हुई है। चंडीगढ़ में बाहर से कोई भी टूरिस्ट घूमने आता है तो वो पूछता है कि यहाँ पे घूमने की क्या जगह है, तो ज़्यादातर जवाब में आपको चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के बारे में जिक्र मिलेगा। यहाँ पर दुनिया भर के सभी ब्रांड्स के शोरूम देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी ब्रांड का नाम लीजिए, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मूवी थिएटर भी है जो नीलम के नाम से मशहूर है और बहुत पुराना भी है, लेकिन आज भी उतना ही फेमस है। वैसे यहाँ पर लोगों की हमेशा भीड़ देखने को मिलेगी। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगी हैं, पेड़ों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। म्यूजिकल फाउंटेन से लेकर दुकानें तक लाइटों से जगमगा रही हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 शुरू से ही चंडीगढ़ की पहचान रहा है। पंजाबी गानों में भी आपको चंडीगढ़ और सेक्टर 17 का जिक्र जरूर मिल जाएगा। सेक्टर 17 के प्लाजा में एक सबसे आकर्षक चीज जो है वो है इसका म्यूजिकल फाउंटेन। म्यूजिकल फाउंटेन की खासियत यह है कि जैसे जैसे गाना बजता है वैसे ही इसमें से पानी भी निकलता है। इसको देखकर लोग काफी आकर्षित होते हैं। लोग इसके आसपास आपको सेल्फी लेते दिखाई देंगे, फोटोशूट करवाते दिखाई देंगे। आपने जिस तरह से दिल्ली का कनॉट प्लेस का नाम सुना है, वैसे ही चंडीगढ़ का कनॉट प्लेस कहें तो वो सेक्टर 17 ही है। यहाँ पर आमतौर पर कई एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं। यहाँ सामाजिक जागरूकता हो या अन्य चीज़ें, कई संस्था इस जगह को चुनती है क्योंकि यहाँ पर लोगों की भीड़ आपको ज़रूर मिल जाएगी और लोगों को जागरूक करने के लिए भी ये एक बेहतर जगह दिखाई देती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, जैसा यहाँ के जो संस्था जो काम करती है या एक्टिविटीज़ करती है वो मानती है। जिस तरह से आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ स्वच्छ दिवाली, शुभ दिवाली का संदेश देते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, हम इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि चंडीगढ़ का सेक्टर 17 जो है वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हुई आपको दिखाई देंगी, जो अभी हमने आपको दिखाया कि एक ऐसा संदेश देते हुए भी दिखाई दिया गया। यहाँ पर एक और आकर्षक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ की सजावट के लिए छातों का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कि छातों और इसमें लगे लाइटों से ये कितना सुंदर और आकर्षक लग रहा है। एक तरह से कहें तो ये एक सेल्फी पॉइंट की तरह लग रहा है। यहाँ पर कई लोग आपको सेल्फी और फोटो खिंचवाते हुए भी नजर आएंगे। वैसे ही आप प्लाजा के एंट्रेंस पर भी देख सकते हैं, जहाँ से गाड़ियाँ सेक्टर 17 के प्लाजा में एंटर कर रही हैं, वहाँ पर भी छातों और लाइटों से सजाया गया है। दिन में अगर आप आएंगे आपको इतना फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन शाम ढलते ही और अंधेरा होते ही इस जगह की रौनक बढ़ जाती है और इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।